तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि फजर का टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं नमाज़ के लिए उठी गई थी, खैर सोई नहीं थी और रात में मतलब मैं दे नहीं पाई थी वॉइस ओवर किसी वजह से। तो अब सोचा कि अभी नमाज़ पढ़नी है तो इसी टाइम में वॉइस ओवर दे देती हूँ, तो बस इसलिए। और रात में हमारे यहाँ ये आलू गोभी बनी थी, तो पहले ना वो हमने इसको आलू में मतलब ऑयल के अंदर हमने ज़ीरा डाला था। पहले थोड़ी सी हींग डाल लेते हैं, हींग से क्या होता है डाइजेशन अच्छा होता है, अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाता है और अच्छी भी लगती है मुझे थोड़ी खाने में। ना हींग वो डाली थी और ज़ीरा डाला था, उसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन करने के बाद फिर हमने उसमें गोभी डाल दी थी कि ताकि वो थोड़ी फ्राई हो जाए, मतलब बिल्कुल फ्राई तो नहीं, मतलब एक फ़्लेवर आ जाए फ्राई का और थोड़ी वो पक भी जाती है। फिर तेल में इसको गोभी को फ्राई कर लो ना, तो उसके बाद फिर उसको ज़्यादा भुनना नहीं होता, तो उससे फिर वो खिली खिली बनती है। वरना ज़्यादा भुनाई वगैरह करने से ना फिर वो हलवा बन जाती है। और ऑयल की रही बात ऑयल की, तो हमारे घर में ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि अगर बिल्कुल ऑयल ना दिखे किसी को तो हमारे यहाँ खाना किसी को हज़म नहीं होता, शुरू से यही है। तो हमारे यहाँ ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करा जाता है। और मसाले वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, वही बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं हर चीज़ में घर में वही सब होता है, सब आपको दिख रहा है, वीडियो में दिख जाएगा क्लियरली। और नमक वगैरह, रेड चिली पाउडर वगैरह जो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नमक और लाल मिर्च पाउडर है ना, आप बहुत से लोगों को पता होगा कि मिर्चें ना कुछ कुछ बहुत हल्की आ रही हैं आजकल ना, एक तो कुछ ओरिजिनल नहीं आ रहा, मिलावटी आ रही हैं हर चीज़। नमक भी कितना भी डाल लो हल्का ही रहता है। ऐसे लाल मिर्च दिखने में तो ऐसे लगेगी कि कितना लाल हो गया, अरे इतनी तेज़ हो गई होंगी, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत हल्की होती है, सिर्फ उसका कलर ही कलर होता है। तो वही तो। और आलू भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, दिखने में तो ठीक लगेंगे लेकिन जब वो बन जाते तो इतने मीठे मीठे, या कट करने में अंदर से बिल्कुल पानी वाले आलू होते हैं, तो आलू भी बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं बस। लेकिन वो ये कि कोई सब्ज़ी बनाओ तो उसमें होता है थोड़ा आलू डाल लो तो और ज़्यादा और वो हो जाती है क्वांटिटी है वो, तो इसलिए आलू डाल लेते हैं। और हमारे घर में तो आलू मेरी सिस्टर वगैरह ना तो वो शौक से खाती, तो कुछ भी बनता है तो उसमें आलू ऐड हो ही जाते हैं और मैं भी एक दो खा ही लेती हूँ, मतलब इतने ज़्यादा नहीं खाती, तो आलू तो डलता ही है। तो बस यही था, आलू गोभी बनी थी। हमारे यहाँ इंग्रेडिएंट्स तो आपको दिख ही रहे होंगे सब कुछ। और बाकी जब फ्राई करी थी ना, उससे पहले तेल के अंदर ज़ीरा और हींग डाली थी हमने, उसका थोड़ा ब्राउन करने के बाद गोभी वो भी डाली, उसको थोड़ा फ्राई करके फिर उसके अंदर ये टमाटर, आलू, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ना गरम मसाला भी डाला था हमने लास्ट में इसके अंदर। तो ऐसा ही था बस, ऐसी ही सब्ज़ी बनी। और हैंड टू हैंड ही हमारी यहाँ रोटी बन गई थी क्योंकि रात में डिनर बनाते हैं ना हम, वही मगरिब के बाद 7-8 बजे तक, 8 बजे के टाइम हमारे यहाँ खाना बनता है, 9 बजे 9:30 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं। तो तभी जैसी सब्ज़ी बन रही होती उसी टाइम ना आटा वगैरह गूंथ लेते हैं तो सब्ज़ी बन जाती है। सब्ज़ी को एक साइड दूसरे पे कर देते हैं गैस पे और ना दूसरे पे रोटी बनाने वगैरह शुरू कर देते हैं, ऐसे ही खाना तैयार हो जाता है। फिर भाई काम पे से आ जाता है, भाई काम पे से आता है फिर हम सब लोग साथ में बैठ के खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर ये वही चाय वगैरह हम लोग पीते हैं क्योंकि हमारी ये 3 टाइम बना हुआ है, मॉर्निंग में, नाश्ते में पीते हैं, ब्रेकफास्ट में। वही 7:30-8 बजे हमारे ब्रेकफास्ट हो जाता है जब भाई जाते हैं ना काम पे, उसको उठाते हैं तो 9 बजे वो जाता है, तो 7:30-8 बजे तक हमारे नाश्ता हो जाता है। फिर उसके बाद ना हमारे यहाँ शाम की चाय बनती है, फिर उसमें सिर्फ रात में, क्योंकि रात में भी इसलिए बनती है भाई क्योंकि सुबह का गया वो होता है, उसने कुछ मतलब चाय वगैरह नहीं पी रखी होती है, काम करने वाला होता है तो उसको ये थकान होती है, तो चाय वगैरह से उसकी थोड़ी थकान कम हो जाती है, तो वो आते हैं तो भी बनती है। और जब बनती है तो फिर सभी के लिए बनती है, सभी पीते हैं, फिर मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है तो वही। और इसके अंदर हमने इस बार मैगी मसाला भी ऐड करा था, नॉर्मली नहीं करते बट जब बना ही मसाला इसी चीज़ के लिए, सब्ज़ियों के लिए, तो हम लोग ज़्यादा आजकल लोग क्या करते हैं, सब्ज़ी में ही छोड़ के उसको मैगी में डाल देंगे, पास्ता में डाल देंगे, जो मतलब जो मसाला जिस चीज़ के लिए बना है उसमें तो लोग कोई डालते नहीं हो, मैगी वगैरह में, इसमें सब आप देखोगे डालते हैं। तो आज हमने अपनी सब्ज़ी में भी इस मैगी मसाला को ऐड करा था, आप लोग डाल के देखना, हमने एक डाला था आप लोग दो डालना, तो बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनी थी और इनहेंस मतलब फ्लेवर और उठ के आ गए थे थोड़ा मैगी मसाला डालने से। खिली खिली हमारी सब्ज़ी बनी थी तो बहुत टेस्टी बनी थी। और रोटी के साथ गरम गरम फुलके बना लो, रोटी जिसके बनती हो फुलके वगैरह तो उसके साथ खाओ, गरम गरम बनी हुई ना, ठंडी होने के बाद इतना मज़ा नहीं आता, जैसी गरम गरम ठंड बनी हुई हो ना
ताज़ी ताज़ी जब रोटी के साथ खा और वो खड़ी खड़ी गोभी आती है ना, थोड़ी क्रंच होता है गोभी के अंदर, तो ऐसे खाओ, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। आप लोग पराठे से भी खा सकते हो, रोटी से भी खा सकते हो, तंदूर की रोटी से भी खा सकते हो, बहुत मज़े की लगती है। आप लोग भी ट्राई करना ऐसे ही, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों को भी मुझे पता है बिल्कुल पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।